किया गया निरीक्षण। सब इंस्पेक्टर रचना खत्री और नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता प्रदीप नाटानी सहित पार्षद ने किया कन्या छात्रावास एवं कन्या महाविद्यालय का निरीक्षण। दिख रही UVN 08 न्यूज चाचौड़ा से अंकित शर्मा की रिपोर्ट। नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता प्रदीप नाटानी एवं वार्ड क्रमांक 9 पार्षद राज राजेश्वरी गुलाब सिंह जादौन एवं सब इंस्पेक्टर रचना खत्री ने चाचौड़ा ब्लॉक के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्रावास चाचौड़ा बिनागंज एवं कन्या महाविद्यालय चाचौड़ा बिनागंज का निरीक्षण किया गया, जिसमें छात्रावास एवं विद्यालय की छात्राओं को निडर होकर कॉलेज व छात्रावास के साथ साथ स्कूल जाने के लिए कहा। साथ ही सब इंस्पेक्टर रचना खत्री द्वारा छात्राओं को इस बात से अवगत कराया गया कि आपके क्षेत्र में पुलिस प्रशासन महिला एवं छात्राओं की सुरक्षा में 24 घंटे तत्पर है। यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या आती है या स्कूल कॉलेज जाते समय मनचलों द्वारा छेड़खानी व कमेंट किए जाए तो हमें तुरंत हमारे मोबाइल नंबर पर सूचना देकर संबंधित के खिलाफ FIR दर्ज कराएं। आप लोगों का नाम गुप्त रखा जाएगा। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता नाटानी द्वारा भी छात्राओं को आश्वासन दिया गया कि नगर परिषद एवं पुलिस प्रशासन आपके साथ है, आप लोग निडर होकर स्कूल कॉलेज जाएं। वार्ड क्रमांक 9 के पार्षद राज राजेश्वरी गुलाब सिंह जादौन द्वारा पुलिस प्रशासन नगर परिषद अध्यक्ष का मोबाइल नंबर छात्राओं को नोट कराया और उन्होंने भी छात्राओं को अपनी सुरक्षा संबंधी टिप्स दी। निरीक्षण में उपस्थित समाज सेवी योगेश सक्सेना द्वारा स्कूली छात्राओं को सुरक्षा के लिए बताया कि हमेशा अपने मोबाइल में पुलिस का एवं डायल 100 नंबर सुरक्षित कर रखें और यदि किसी भी प्रकार की घटना की आशंका हो तो तुरंत पुलिस को फोन लगाकर मदद लें तथा अपने नजदीकी खड़े हुए लोगों को घटना की जानकारी देते हुए उनकी मदद लें। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। और बच्चों की कितनी संख्या है यहाँ? बच्चियों की जी तो अभी संख्या केवल 5-6 बच्चे हैं, ये क्या कारण है? बच्चियाँ डर के कारण नहीं आ रही है, भयभीत हो गई इस मतलब जो घटना हुई उससे। पेरेंट्स को भी सूचित कर दिया पर वो भेजने के लिए तैयार नहीं हो गए। क्या कहते हैं परिजन इनके? यही कहते हैं कि हमें डर लगता है कि कहीं हमारी बच्चियों के साथ कोई ऐसी घटना ना घट जाए। उनको सब तरह से आश्वासन दे दिया गया फिर भी उसके बाद भी वो बच्चियों को भेजने तैयार नहीं। सुरक्षा के क्या इंतजाम है आपके यहाँ? सुरक्षा के हमारे पास 3 भाइयाँ हैं, चौकीदार हैं, मैं स्वयं हूँ और आने जाने के लिए बाइयाँ जाती हैं बच्चियों के साथ, चौकीदार जाता है स्कूल तक। कैमरे वगैरह भी लगे हुए हैं? CCTV कैमरे। आज निरीक्षण करने यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष और पुलिस विभाग से भी आए हुए हैं, तो क्या बताया उन्होंने? उन्होंने यही कहा कि यदि आपको कोई समस्या है तो आप हमें अवगत कराएं, बच्चियों को भी नंबर दिए, इस नंबर पे आप हमसे संपर्क करें यदि आपको कोई परेशानी है।